और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर से। योगी पूजा है मौजूद, बड़ी खबर है उनके पास। पूजा, ओवर टू यू। बता दें आपको कि बड़ी खबर इस वक्त की, काबुल एयरपोर्ट पर शहीद हुए फौजियों को अमेरिका की एक अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बता दें आपको, आतंकियों को मार गिराने वाले रॉकेट पर अपने तमाम शहीदों का नाम लिखा है अमेरिका ने। इन शहीदों के नाम रॉकेट पर लिखे हैं। किस तरह से इस रॉकेट ने आज सुबह आतंकियों का काम तमाम किया है, इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों को मारने वाले रॉकेट पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। मैं आपको अब तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं किस तरह से यहां अमेरिका अपने तुम 13 सैनिकों को जो शहीद हुए थे काबुल हमले में, किस तरह से उन्हें आप देख सकते हैं ये तमाम नाम इस तरह से रॉकेट पर लिखे गए थे। उन 13 सैनिकों के जो काबुल हमले में शहीद हुए थे, उन शहीदों को शहादत श्रद्धांजलि देते हुए यहां अमेरिका ने आज उस रॉकेट पर उन 13 नामों को अंकित किया। और आज उस रॉकेट ने किस तरह से तालिबानियों का काम तमाम किया है जो लगातार अमेरिका पर भारी पड़ते हुए दिख रहे थे, और यहां आज अमेरिका ने अपने उन तमाम 13 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इस अमेरिकी रॉकेट पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन 13 सैनिकों का नाम लिखा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहां बाइडेन का बदला दिख रहा है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था वो कर दिखाया है, और 36 घंटे का वक्त है उनके पास जो उन्हें अफगानिस्तान से निकलना है, और उससे पहले जाते जाते ये करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब यहां तालिबानियों को दिया है। हम देख रहे हैं खुशबू प्रीति, लगातार आप भी देख रहे हैं सुबह से जो हमलों की खबरें आ रही हैं, एक के बाद एक रॉकेट जिस तरह से दागे जा रहे हैं, एक जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि अमेरिका आज भी सुपर सही कहा पूछो आपने, क्योंकि लगातार सुबह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रॉकेट हमले दागे गए आतंकियों में। और देखिये कल शाम को भी जो हमला किया गया था, जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें 9 आतंकी मार गिराए गए थे। लेकिन खुशबू एक अनोखी श्रद्धांजलि है अपने सैनिकों के लिए अमेरिका। बिल्कुल, शायद अमेरिका इसी बात के लिए जाना जाता है कि अपने दुश्मनों को खत्म करना अमेरिका बेहतर तरीके से जानता है। कौन भूल सकता है किस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा था। और अब देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है सुबह से, कहा ये कहने में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अमेरिका ने जो कहा था, जो बाइडेन ने जो कहा था कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, वो बात बाइडेन ने किया है, वो बात वहां पर की गई है। हम सुबह से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर रॉकेट गिराए जा रहे, किस तरीके से धुआं धुआं पूरा काबुल शहर हो चुका है। और देखिए दो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर प्रीति हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक वो तस्वीर है जब 20 साल के अंतराल में, आपको ये जानना चाहिए कि ये चौथे राष्ट्रपति है बाइडेन जो इस तरह से अपने सैनिकों को जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, और दूसरी तरफ ये सही श्रद्धांजलि उनके नाम अंकित किए गए और रॉकेट दागे गए। प्रीति बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पूजा भी लगातार ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, ये जो तस्वीरें दो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को भी देती है साथ में। बिल्कुल प्रीति, यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब काबुल में हमला हुआ था गुरुवार को, और जब 13 सैनिक उसके मारे गए थे, वो जो गुस्सा था वो साफ तौर पर उनके भाषण में दिख रहा था, और उसी को याद करते उन्होंने कहा था कि माफी नहीं देंगे, भूलेंगे नहीं, जो तालिबानियों ने जिन आतंकी संगठनों किया है उसका हम बदला लेकर रहेंगे। और देख रहे हैं हम लगातार उसके बाद क्या हालात काबुल में, पूरे अफगानिस्तान में बने हुए हैं। रॉकेट से हमला किया जाता है, ड्रोन अटैक किया जाता है, और इस तरह से एक पूरे आतंकी संगठन के गढ़ को मिटा दिया जाता है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और किस तरह से, सबसे जो अनोखी बात ये कि देखिए किस तरह से अपने सैनिकों को, उनकी शहादत को किस तरह से श्रद्धांजलि देता अमेरिका नजर आ रहा है। जो रॉकेट दागा जा रहा है उस रॉकेट पर भी अपने उन 13 सैनिकों का नाम लिखता है यह अमेरिका, तो वाकई में भूला नहीं है, उनकी शहादत को भूला नहीं है और श्रद्धांजलि दी है और उनकी मौत का बदला लिया है। बिल्कुल सही कह रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें की गई और जिस तरह से अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे, कहीं ना कहीं ये एक आत्मसम्मान पर बात आ गई थी प्रीति, और कहीं ना कहीं सवाल कई सारे उठने लगे थे, और शायद यही बड़ी वजह है कि इस तरह का हमला किया गया, जवाब दिया गया। चलिए इस पर भी लगातार नजर है। बड़ी खबर एक दर्शकों को बता देते हैं प्रीति, काबुल हमले के बाद तालिबान में हड़कंप है, पूरे काबुल में हर तरफ तबाही ही तबाही है। बिल्कुल, और काबुल के आसमान पर किस तरीके से धुएं का गुब्बार छाया हुआ है, जो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। काबुल में जगह जगह आग की लपटें नजर आ रही हैं, काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि जिस तरीके से धमाके हुए हैं। और ये देखिए हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
जो काला धुआं है उसका गुब्बार नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका ही है, लेकिन साफ तौर पर आतंकियों के छिपे होने की खबर और ऐसे में क्या आत्मघाती हमला कर सकते थे। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से पहला हमला हुआ है, फिर दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला, चौथा हमला। और देखिए इन तमाम हमलों में एक ही बात जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी वो नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, गुरुवार को नांगरहार से शुरुआत हुई थी जब कह दिया था जो बाइडेन ने चुन चुनकर मारेंगे, उसी के बाद लगभग 36 घंटे के बाद ही पहला बदला ले लिया गया था, फिर रविवार रात काबुल में और फिर आज काबुल में यह स्थिति सामने आई है जब एक के बाद